गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्लास सिक्स, पाठ संख्या है 30। पाठ का नाम है मम संकल्प, मीन्स मेरा संकल्प। ठीक है, आपके पाठ पुस्तक में जो है मम संकल्प पाठ में जो ये एक श्लोक है। ठीक है, सुखार्थिना चेत जे विद्या विद्यार्थी चे सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिया विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिना कुतो सुख, और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख का। इस श्लोक का मतलब है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को त्याग दीजिए, अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख को त्याग दीजिए, क्योंकि आप जो है विद्या को जो है वो कड़ी मेहनत कड़ी तपस्या के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस बहुत अच्छे श्लोक को लिखा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। अगर आप ऐसा करते हैं तो विद्या को त्याग दीजिए और नहीं तो सुख को त्याग दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राहुल एतम श्लोकम पठति विचारयति च, राहुल जो है यह श्लोक को पढ़ता है और विचार करता है। कौन विचार करता है? राहुल। ठीक है, सत्यम एतत् आलस्यस्य कुतो विद्या, आलस्यस्य कुतो विद्या, मतलब यह सत्य है, यह सत्य है कि आलस्य आलस्य जो है आलस्य को विद्या नहीं है, कुतो विद्या कहाँ विद्या। अतः 9 वर्षस्य प्रथम दिवस, यह जो है अब 9 वर्ष का प्रथम दिन है, अहम संकल्पम करोमि, मतलब मैं संकल्प करता हूँ अधम अद प्रभृति अहम आलस्य न भविष्यामि भविष्यामि, मैं जो है अब कभी आलस नहीं करूँगा, समय पठिष्यामि समय च खेलिष्यामि, समय के अनुसार जो है मैं खेलूँगा और समय पे पढ़ूँगा। माता पिता पितामह च मम पूज्य आदरणीय च, माता और पिता, और मतलब पितामह मीन्स दादा, माता मीन्स माँ, पिता मीन्स पिता, और पितामह मीन्स होता है दादा, कि च मम पूज्य आदरणीय च, वो जो है मेरे पूज्य है और आदरणीय है, अहम तेषां आज्ञा पालयिष्यामि, मैं उनके आज्ञा का पालन करूँगा। इसमें जो है इसमें भविष्य काल का वर्णन हुआ है। ठीक है, भविष्य काल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कौन सा लकार का प्रयोग होता है, लिट लकार का, उसमें जो है वो स्यति स्यत लगाया गया है, लगाया जाता है, तो इसमें भी है पालिष्यामि खेलिष्यामि भविष्यामि पठिष्यामि। तो है कि दूरभाषे मित्रैः सह सुचिरं वार्तालापं न करे करिष्यामि, मतलब दूरभाष पे मतलब फोन पे मैं मित्र के साथ सुचरित मतलब कि देर तक बात नहीं करूँगा, वार्तालापम न करिष्यामि, शीघ्रम पकवम भोजन नित्यम न खादिष्यामि, शीघ्र पका हुआ भोजन जो है वो नित्य मैं नहीं खाऊंगा। तदा एव पितामह आगच्छति वदति च, तब जो है वो पितामह दादा आ जाते हैं और बोलते हैं, वदति मीन्स बोलते हैं, वत् त्वं स्वाध्यायं अध्यायं करोषि, वो कहते हैं वत् बेटे तुम स्वाध्याय करते हो, वह तो स्वाध्याय मीन्स अपने से पढ़ने को कहते हैं स्वाध्याय, शोभना बहुत अच्छा। इतः परं त्वं किं करिष्यसि, राहुल वदति पितामह पाठं पठित्वा अहम लेखं लिखिष्यामि,
रावण से पूछते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि स्व अध्याय पर करोषि शोभना, मतलब बहुत सुंदर थी लेकिन तुम क्या कर रहे हो। राहुल बदती, राहुल बोलता है पितामह मतलब दादा पाठम पठित्वा, मतलब पाठ को पढ़कर मैं लेख लिख रहा हूँ, अहम लेखम लिखिष्यामि, मैं लेख लिख रहा हूँ, लेखम लिखित्वा लेख लिख कर अहम बहिर्गमिष्यामि, मैं बाहर जाऊंगा। अहम मित्रै स क्रीडिष्यामि, मैं अपने मित्र के साथ खेलूंगा, क्रीडित्वा दुग्धम पाश्यामि, खेल कर, क्रीडित्वा मीन्स त्वा प्रत्यय लगा है तो इसमें खेल कर हम कहेंगे, खेल कर दूध पीऊंगा, तत्पश्चात दूरदर्शने खेल कार्यक्रम दृक्ष्यामि, तत्पश्चात उसके बाद जो है मैं दूरदर्शन पर खेल का कार्यक्रम देखूंगा। यदा जनका आगमिष्यति तदा भोजनम खमिष्य खदिष्यामि, भोजनम खदित्वा अवशेषम अभ्यासम कार्य करिष्यामि। जनक, जनक मतलब पिता जो है आते हैं, आएंगे और तब मैं भोजन करूंगा, भोजन करकर अवशेष जो बचा हुआ जो कार्य है अभ्यास कार्य है जो वो मैं करूंगा, तथा शयनाय गमिष्यामि, और तब जो है मैं अपने सोने के वर्षी अधम शनिवार, क्या नहीं जानते कि अब जो है शनिवार है, तो पिता चेन्नई नगरम गता, तुम्हारे पिता जो है वो चेन्नई नगर गए। आया समरामी स रविवार से आगमिष्यति, स्व रविवार स अस्ति, अधुना राहुल स्व कार्य स्व संकल्प अनुसार पूर्वक करोति, वह कहता है कि नहीं मुझे याद है कि मेरे पिता जो है वो चेन्नई गए हैं, मुझे स्मरण है कि रविवार है स्व, और जो है वो जो संकल्प करता है अब जो है राहुल स्व कार्य के लिए संकल्प जो करता है वो नियम अनुसार नियम पूर्वक करता है, यथा समय विद्यालय गच्छति नियमे गृह अभ्यासम करोति, नियम के अनुसार जो है वो अपने गृह कार्य को करता है, घर के काम को करता है। संतुलित भोजन खादति, संतुलित जो अच्छा भोजन है संतुलित भोजन जो है वो खाता है। सब प्रतिदिन व्यायाम योग अभ्यासम वा करोति, वह जो है प्रतिदिन जो व्यायाम अभ्यास करता है, एवं संपूर्ण रूपे स्वाध्याय स्वास्थ्य च रक्षति, वह जो है वह पूर्ण रूप से स्व अध्याय और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। राहुलस्य दिनचर्या दृष्ट्वा पितामह संतुष्ट भवति, राहुल का दिनचर्या देखकर पितामह जो है दादा जो है वो संतुष्ट होते हैं। स पौत्र वदति, वह अपने पुत्र से बोलते हैं, पौत्र यानी पोते से बोलते हैं, वत्स अहम प्रसन्न आशि, वत्स मतलब बेटे मैं प्रसन्न हूँ, सफल भव नव वर्ष शुभ अस्तु, सफल हो नव वर्ष शुभ, धन्यवाद पितामह भवे अपि नव वर्ष शुभ भवतु, धन्यवाद पितामह दादा भवे आपके जो आपके आपकी भी जो नौ वर्ष हो वो शुभ हो। राहुल पितामह से सम्मान करोति, राहुल जो है पितामह का क्या करता है सम्मान करता है। हमने पढ़ा 13 चैप्टर क्लास 6 का, अब आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चंस हैं, उनको आप लिख करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप होमवर्क कंप्लीट करके जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। थैंक यू।